ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم احمده وصلي وسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا امنوا صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما تحب وترضى. صل عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم رب ذكري وصنا قوسين سيدي برتري بلندي اسی کی ذات کو زیبا. उसने बड़ा प्यारा अच्छा सच्चा क्लियर मुतवाज़िन मोतदिल मजहब दीन हमी और आप हुआ था. इस पर उसका जितना शुक्र करें कम ही. हर बात समझा दी हमें जो हक की थी और हर उस चीज की हमें पहचान भी करवा दी जो बातिल है जो गलत है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम हक को जाने उस पर अमल करें और बातिल को समझे और उससे दूर. आज की इस मजलिस के लिए गुफ्तगू और उनवान जो हमारा चल रहा था उसी पर होनी. लेकिन यह कि फिर कई मामला आपके सामने आ जाते हैं. जी करता है कि उन पर भी कुछ गुफ्तगू की जाए पर भी कुछ इजहार ख्याल इस्लामी तालीमात की रोशनी में की जाए ताकि हम हालात से भी वाकिफ रहे हालात के गिर्दो पेश से भी हम वाकिफ रहे और उन हालात के पेश नजर हमारे जहन में इस्लामी तालीमात के कौन से निकात होने चाहिए उसका भी बयान मकसूद किया. माह मुबारक रजब का है चल रहा है. कई हवालों से ये बाबरकत है कोई शक नहीं कि हुजूर ने इसमें बरकत की दुआ की. अल्लाह इस माह मुबारक में हमें बरकत अता फरमा. शाबान लगता रहे उसमें बरकत अता फरमा और दुआ फरमाई कि अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे. रमजान में हमने भी ये दुआ करनी कि बरकतों के महीने रजब हो शाबान हो रमजान हो खुसूसी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमें और आपको अता होती है. इबादतों के महीने रियाजतों के महीने अपने रब से और ज्यादा करीब हो जाने के महीने. इस हवाले से तो यकीनन मुसलमान तवज्जो करता है ख्याल करता है और करना भी चाहे. हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की छठी इसी माह मुबारक को गुजरी. अल्हम्दुलिल्लाह बात आती है तो मैंने कहा ना आपसे कि हम कहकर के गुजर जाते हैं कि नवज आपकी जो है नजर पहुंच जाए ख्याल ताजा हो जाए. इसी माह मुबारक में एक और अमल किया जाता है रजब के कुंडे याद कर. ठीक है ना. ये नाम सुन के कुछ लोग खुश हो जाते हैं कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं. ऐसी कोई बात नहीं दोस्त है ना. इशारा करके गुजर जाए कुछ हमारी रिवायात हमारी तहजीबी कुछ सकाफती हमारी रिवायात मजहबी रिवायात जब तक वो शरीयत से मुतसादिम ना हो करते चले. शरीयत की जानिब से कोई मना अगर ना हो अरे ज्यादा उदेड़ पुन में लगने की जरूरत. यहां लिखा है कि वहां ना लिखा है कि जो लिखा है पूछते वो करते नहीं. और मैंने जो देखा जो करते हैं वो पूछते समझे आप. तो करने वालों से गुजारिश है कि मोहब्बत से आप किसी भी बुजुर्ग को याद करते हो उनके लिए इसाले सवाब करते हो किए जाओ. समझे. रस्मों के चक्कर में पड़े बगैर एक बुनियादी ख्याल जहन में हो इसाले सवाब. समझे. सवाब किसी तक पहुंचाना बस ये बुनियादी इस्लामी ख्याल है जो कुरान और हदीस से साबित है. ठीक है. बाकी रसूम और रिवाज जो बाकी लगे हुए हैं ये करना तो वो पकाना तो उधर ही खिलाना तो उधर ही धुलाना ये हमारी आपकी तहदीदात. समझे. इससे ज्यादा और कुछ नहीं. और यहां लिखा है वहां लिखा है नहीं लिखा है तो नहीं करना है मत करो. ठीक है.
लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, समझे। इसमें कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिसके बाबत कहा जाए कि यह आपको दीन से दूर करने वाला, जुमला याद रहेगा, कोई अमल ऐसा नहीं है जो आपको दीन से दूर कर, दीन से करीब कर। इसको मनाए उसको मनाए, कभी भी मनाओ आप, 15 रजब को करोगे, 22 रजब को करोगे, 27 रजब को करोगे, सारे सवाब करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं, ईसा के सवाब का तरीका है, कुछ चीजें राइज हो जाती है। आपसे कोई सवाल करेगा इन्हीं की क्यों, दूसरे की क्यों नहीं, तो ये भी वही सवाल करेगा जो इनकी भी नहीं करता, समझे। तो आप कह दीजिएगा मैं इनकी करता हूं, बाकी दूसरों की आप कर लीजिए, अरे क्या हम उसमें भी शिरकत करेंगे भाई, समझे। तो उलझना इसमें है ना, उलझना, एक मुस्तहब मुबाह काम है, एक अच्छा काम है, ना फर्ज है ना वाजिब है, लेकिन कोई करता है तो रोका भी नहीं जाए। हाँ अच्छा अमल है, करो। कितनी अच्छी बात है इसके अंदर है, आदमी घर साफ करता है, बर्तन साफ करता है, घर को सजाता है, ये सफाई अच्छी चीज नहीं है, फिर बहाना तो निकल आया ना। हाँ लोगों की दावत करता है, कभी नहीं बुलाता, 22 रजब को बुलाता है, अपने पराये को सबको बुलाता है, पड़ोसी को बुलाता है, अच्छा अमल नहीं है। किसी को खाना खिलाना नहीं, मुझे गोश्त नहीं बनाता, तो बगैर गोश्त का ही सही, कभी वेज भी तो खा लिया करो यार। हाँ अगर किसी ने गोश्त वाला खिलाया तो कबूल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, जिम्मेदारी से आपसे कहते हैं। लेकिन होता कि आप मेरी सुनोगे, अमल तो घरवाली के कहने पर करो, नहीं उसने बोली लिए, समझे, तो आप तो उसी पर करोगे ना, तो हम तो आपको और आजाद दे देते, चाहे मेरे इस कहने पर अमल करो या घरवाली के उस पर अमल करो, वेज बनाओ या नॉन वेज बनाओ, भैंस इसमें कुछ भी नहीं। तो कितना अच्छा अमल है कि किसी को आपने घर पर बुला लिया, वो आ गया, खाना खाया, हाथ मिलाया, थोड़ी सी कुदरत थी तो वो भी दूर हो। खाना खिलाने की बड़ी बात है, याद रखना, खाना खिलाने से दुश्मनी दोस्ती में बदल जाया करती है, अगर कुदरत हो तो मोहब्बत में तब्दील हो जाए। और इससे बड़ी बात और आपको क्या चाहिए, आपके घर भी आया, किसी ने हाथ धोया, जाहिर सी बात है आएगा तो बरकतें आपके यहाँ कैसी कैसी लाएगा, मेरा मौजू कहीं रह जाएगा, लेकिन बात आई तो कह के जाते हैं, वो आपके घर में आता है, आपको सलाम करता है, बोलो बरकत आई कि नहीं है, खैरियत पूछता है, बोलो बरकत आई कि नहीं है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, बरकत आई कि नहीं आई, दस्तरखान पे बैठता है, अल्लाह की रहमत को दावत देता है, बोलो बरकत आई कि नहीं आई, बिस्मिल्लाह आपके घर में पढ़ता है, बरकत आई कि नहीं आई, हाँ खाके दुआ करता है अल्लाह की शुक्र, ये क्या है, बोलो बरकत आई कि नहीं आई, कौन सा ऐसा अमल है कि जिससे रोकूं मैं, बोले नहीं वो खीर बनाते हैं ना उसमें इतरा दे, खीर मत बना तो खिचड़ा बना, बहस क्या है, हाँ तो वो पूरी बनाते हैं ना उसमें इतरा, पूरी मत बना तो पराठा बना, इतना जवाब दू यार तुमको मैं, है ना, अल होता है करो, नहीं होता है तो खामोश। तो इसमें सारे आमाल मैंने जो आपको गिनाए वो कैसे अच्छे है या बुरे हैं, और हमारे यहां दावतें कब होती है, हमारे यहां सिलसिले थे, इसकी नियाज उसकी नियाज उसकी सब सब चलता था, घर में एक नहीं साल भर के अंदर 10-10 दावतें हुआ करती थी, सब रुक गई हमारी। अब कब होता है तो आदमी वो अरमान निकालने के टाइम में दावत करता है, कब शादी होती है या फिर अब्बा रुखसत हो गए तो फिर तशरीफ लाई, हमारे यही सिस्टम हो गया ना। तो नहीं दोस्तों, ये अच्छी आदतें हैं, किए जाओ, बहस में पड़े बगैर, ये कहां से साबित है और कहां से साबित, पहले बता दिया असल फिक्र क्या है, इंसाले सवाब इसी को भी कर सकते है ना, वक्त की पाबंदी नहीं, जगह की पाबंदी नहीं, रस्मों की पाबंदी नहीं, किए जाओ, समझे आप। तो हो गई दो तीन बातें आपसे अर्ज की, और एक बात आपसे कह देते हैं, जमाना है अभी खबरें ऐसी नहीं रही कि कहीं कुछ हो जाए हादसा तो आग तक खबर नहीं है, ऐसा नहीं, यूं हुआ हादसा गुरुदेव बाबा, यूं हुआ हादसा यूं आग तक खबर है ना, पहले तो सिर्फ खबरें आती थी, अब तो वीडियो क्लिप चलती है ना, कौन क्या कैसे कर रहा है, देखिए चोरों का पकड़ा जाना आसान हो गया, नहीं हुआ, आज रिश्वत भी लेते हैं तो पहले कैमरा देखते हैं जनाब, समझे आप, कौन कहां पकड़ा जाए, होश नहीं, हर चीज आसान हो गई, सोशल मीडिया ने पता नहीं कहां से कहां इस जमाने को पहुंचा दिया, समझे आप, तो कोई खबर किसी एक इलाके की खबर नहीं रहती, सारी दुनिया की खबर बन जाए ना, जैसे कि मैं सफर में भी था, इसके बावजूद मैंने कुछ चीजा चीजा मैंने खबरें सुनी, यहां आई तो भी मालूम हुआ मुझे, आयशा नाम की एक लड़की ने खुदकुशी की, आप सभी जानते हैं अहमदाबाद की जी, है ना, उसके भी चर्चे हैं, मजहबी हलकों में भी चर्चे हैं, उलमा के दरमियान भी गुफ्तगू है, अवाम के दरमियान भी इसकी गुफ्तगू है,
हाँ समझे। न्यूज चैनल भी जो है जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान कुछ भी करे हिंदुस्तान के अंदर, न्यूज चैनल वालों के लिए तो एक मौजू बन जाता है, कुछ भी करे, कुछ भी करो आप, समझे आप। कोरोना आया तो भी उसमें हम लोग नजर आए, उसके फैलाने नहीं हुआ है, चाहे कोई जमात थी मुसलमानों का नाम तो आया ना, समझे आप। कुछ भी हो जा, हमारा नाम जहां आया तो लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में पहली मरतबा इसी कौम ने यह काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से मैं आपसे कहता हूं, किसी भी कौम के अंदर खुदकुशी का रेशो अगर आप देखेंगे, फीसद अगर आप देखेंगे, तो सबसे नीचे हम आपको नजर आएंगे, सबसे कम, सबसे कम। लाखों किसानों ने जो है खुदकुशी की, मैं आपसे कहता हूं जाके उस फहरिस्त को उठा के देखो, शायद कोई मुसलमान आपको। लेकिन यहां पर यह हो गया तो अब जो हवा खड़ा हो गए, समझे, कोई इस लड़की को गालियां दे रहा है, कोई बद्दुआ दे रहा है, कोई मजलूम करार दे रहा है, उसकी हक में दुआ कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है ना। लेकिन फिर मेरे मौजू से मुताल्लिक ये बात है ना, तो मैं आपसे कहता हूं खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी औलाद पर ध्यान, समझे, वही मौजू यादीन यहां वहां जमाने पर तवज्जो न कर दोस्त, कुछ न कर, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, इससे कहीं बेहतर यह है मैं क्या कर रहा हूं, मेरी औलाद क्या कर रही है, मैंने क्या करना है, मेरी औलाद ने क्या करना है। अगर इस पर तवज्जो होना तो जमाने की बखेड़ों से हम बचे, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे जमाने का सवाल हम में से हर किसी से नहीं करने वाला, हमसे मुतालिक करेगा, हमारी औलाद से मुतालिक करेगा, समझे। ये तो होने वाला है, अपने रब से हम क्या मांगे, हमें तो दुआ सिखाई गई ना, ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي। क्या दुआ सिखाई गई, मेरी औलाद में इस्लाह पैदा, واصلح لي في ذريتي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين। तो दोस्तान ये आज बता दी तवज्जो, लड़कियों की तवज्जो की, लड़कियों की तरफ तवज्जो देने की तो ज्यादा जरूरत है, जोर देकर मैं कहता हूं, उन्हें दीनों की सलाम सिखाई, उनके मौाक़े सीखने के कम है और उनके बहकने के मौाक़े ज्यादा आज पैदा हो, समझे। आज ये ना समझे कि बच्ची अगर घर में है तो महफूज है, ना, मोबाइल आपने हमने ऐसे थमा दिया है कि किसी से कहीं भी रब्ता हो सकता, कहीं भी रब्ता हो सकता। ये नहीं कहता हूं कि हर वक्त आप उस पर पाबंदी और कदगन लगा के रखे कि वो कुछ देखे ना, कुछ करे ना, कुछ जाने ही ना, हर वक्त उसको जो है मशकूक निगाहों से देखे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक है कि दराना शक्कत के साथ और उस रहमत के साथ भी आप उस पर तवज्जो रख सकते हैं, नसीहतें कर सकते हैं, दीन बता सकते हैं कि दुनिया सब कुछ नहीं है, और जिंदगी के हर मरहले के अंदर खुद को तन्हा न समझे, दीन तुम्हारे साथ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे वादा किया है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नहनु अक़रबु इलैहि वलाकिन ला तुबसिरून, हमसे कहा गया ना अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको छोड़ करें क्या, नहीं, वो तो हर एक के साथ है ना, अना हमसे कहा गया, मैं तो अपने बंदों के गुमान के नजदीक जैसा वो सोचते हैं मैं वैसा उनके साथ मानता हूं। खुद को तन्हा समझना छोड़ दे दोस्तों, अल्लाह हमारे साथ है, सब है। तो तालीमात की जब कमी आती है ना, फिर ऐसे इकदाम आते हैं। अब बोलो इसके अच्छे बुरे जो भी आप पहलू निकालेंगे, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश तो की गई ना, मुसलमान तो सामने आया ना, बुरका तो सामने आया ना, हाँ आया कि नहीं, इसलिए हवाले से कहना चाह रहा हूं दोस्तों, इस्लाम ने कहीं हमारे लिए कोई कमी नहीं की, इसलिए कहा ना ऐसा प्यारा मोतदिल और मतवाजी मजहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। और ये कि तुम ये ना कहना कि अल्लाह को कौन सा मजहब पसंद है हम जानते नहीं, उसने उसे भी क्लियर कर दिया, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, कि मेरे नजदीक सिर्फ इस्लाम मुअज्जज है, इज्जत वाला है, मेरा पसंदीदा, और किसी की तलाश न करना। ये तो खुशी का रुझान, ये मैंने भी देखी, वो वीडियो क्लिप थोड़ी सी देखी, पूरी नहीं देखी, देखा मैंने, कहा दिल पर अंदाजा मैं भी हुआ कि ये क्या, ये फिल्मी अंदाज में सब कुछ करना, पानी के साथ बहना पसंद करती हूं, उस बच्ची की बुराई मकसूद नहीं है, मकसद क्या है वो सुन ली, मकसद ये हम भी जो है वो बेदार है, अपनी औलाद को सिखाए, ये इकदाम खुदकुशी हमारे यहां जायज नहीं, हराम, गुनाह है कबीरा, कोई गुंजाइश नहीं मजहब इस्लाम के अंदर, कोई गुंजाइश, समझे, है कोई मजहब ऐसा बताने वाला जो अपने इक्तदार आवाज के अंदर हर चीज को बयान कर दे, कौन है जो कह सकता है कि खुदकुशी से मुताल्लिक हमारे मजहब में ये क्लियर कट बताया,
قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفَسَكُمْ اپنی جانوں کو مارو نا، ان اللہ بکم رحیما، ان اللہ کان بکم رحیما. اتنی پیاری یہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہے، ذرا آپ غور کرو، ہے نا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفَسَكُمْ قرآن کہتا ہے اپنی جانوں کو ختم نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما. سن لو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رحم کر دے گا. کتنی پیاری بات، اپنی بھی جان کو اور دوسروں کو بھی جان کو قتل کرنے سے قرآن نے منع کیا بلا وجہ کسی کو اختیار. ذرا سوچیے آپ، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اسلام میں؟ تعلیمات اسلام کی کمی سمجھے. اب یہ سب چل رہا ہے نا، جو آج کل فلموں میں ہو رہا ہے، بتائی جا رہی ہے، ڈراموں میں ہو رہا ہے، تو آدمی نے بھی ہمارے یہاں جسے آپ دیکھو گے اسی کو تو سمجھو گے نا، نہیں ہوگا. ہاں ہماری لڑکی لڑکیاں کیا مانا ہی نہیں، دین سمجھا ہی نہیں. اس لڑکی نے سب جان لیا، بڑی بڑی باتیں ہو گئی، ایسے بہوں گی ویسے بہ جاؤں گی، بہنے کا بڑا شوق ہے مجھے. ذرا کہنا آسان تھا، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، میرے لیے دعا کرنا. گئی کسی بھی وجہ سے، ریزن سے، میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اصل مدعا ہے خودکشی کا. اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، اللہ کی عطا کردہ یہ زندگی، اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. جیسے تم اپنی مرضی سے آئے نہیں نا، ویسے تم نے اپنی مرضی سے جانا بھی. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مرتی نہیں ہے، اسی میں یہ مجال نہیں. اس کی عطا کردہ زندگی کو ہم اور آپ یوں ہی ختم کر دیں گے. اختیار اس نے دیا ہے، تو تقدیر کی بحث میں نہ جانا. پھر مرتا ہے آدمی تو اللہ ہی کی مرضی، اللہ نے جو مرضی سے اپنے اختیار آپ کو دیا ہے نا، اس کا غلط استعمال اگر آپ کرو گے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر ہی فلسفہ ہر جگہ لگایا تو شرابی بھی بچ جائیں گے، جواری بھی بچ جائیں گے. یہ کیا تو تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا. ماشاء اللہ رب العالمین. سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کو؟ ہے کسی میں جرت کسی شرابی میں یہ کہے کہ اللہ نے چاہا معاذ اللہ تو پی رہا ہوں؟ کرے نہیں کہہ سکتے نہیں، ایسے یہاں بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ رہو اختیار دیا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اس کا صحیح یا غلط استعمال کرتے ہو اس کا حساب ہو اور اس کی جزا و سزا اللہ کے پاس رکھی. سمجھے آپ؟ تو اسلام تو قطعی طور پر ہمیں آپ کو اجازت نہیں دیتا. حضور نے ارشاد فرمایا، بات آئی ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں آپ سے. رسالت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی سنیے گا، معمولی چیز نہیں ہے. حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہے آپ کا مسئلہ نکالو یار، میرے آقا نے اگر ہدایت نہ کی ہو آپ اور راستہ نہ بتایا ہو اور اس کی برائی اور اس کی اچھائی بیان نہ کی ہو، تو آپ کے لیے جس کی جہاں ضرورت تھی رسول گرامی نے بیان کر دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں جس نے جیسے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا نا، اس کا عذاب یہ ہوگا کہ کل قیامت میں جہنم بھی اسی طرح کے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا. وہ خود کو جل کر جلا کر مارتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت میں اس کے لیے کیا ہوگا جانتے ہو؟ عذاب کیا ہوگا؟ عذاب جہنم کیا ہوگا؟ کہ وہ عذاب جہنم اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ آگ ہی میں جلایا جائے، کوئی پھانسی لے کر مر جائے. معاذ اللہ رب العالمین. دعا رب تبارک و تعالی، مولا ہم جتنے یہاں پر حاضر ہیں، مولا ہم، ہماری اولاد اور دور دور تک مسلمان خودکشی کے جرم عظیم سے رب تبارک و تعالی ہماری حفاظت، ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت. مولا زندگی تو نے عطا کی ہے اور تیرے ہی حکم سے ہماری آخری سانس رب تبارک و تعالی ہماری دعائیں اس جمعہ کے مجمع میں قبول ہوں. کوئی پھانسی لے کر مر جائے نا، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے عذاب جہنم کیا ہوگا کہ اس کو پھر جو ہے بار بار پھانسی لگ جائے. کوئی زہر کھا کر کے اگر مرے گا جہنم کا عذاب یہ ہوا کہ بار بار اسے زہر دے کر ہی مارا جاتا ہے. معاذ اللہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اونچائی سے گر کر کے نیچے اپنی جان دے دیتا ہے تو جہنم کی باغیوں سے اسے بار بار کوئی نیزے یا تیز ہتھیار سے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیتا ہے. مرتے نا لوگ نسکار. حضور ارشاد فرماتے ہیں عذاب جہنم سے ایسے دیا جائے گا جیسے اسے خود اپنی زندگی کو ختم کر. اتنا بڑا عذاب. میں نے حدیث پاک کے اندر جب وہ الفاظ پڑھے، خالدن مخلدن ابدا، رونگ پہ کھڑے کھڑے جائے. خالدن کے معنی ہوتی ہمیشہ ہی کے ہوتے،
پھر حضور نے ارشاد فرمایا مخلدن، اس کے اندر جو رہے گا نا اس کو خوشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ ابدن، پھر وہی مان ایک دو تین لفظ کے ساتھ ایک لفظ سے بات ہوئی، حضور نے ارشاد فرمایا دوستوں یہ بتاؤ لوگوں میں یہ چیز عام کرو، وہ ویڈیو کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ویڈیو جیسی آئی نہ ہاتھ میں فوراً اس کو آگے بڑھا دیتے، نہیں بڑھاتے آپ، بڑھا دیتے اس کو، بڑھا دیا اس کو ثواب مل رہا ہے کیا آپ کو، یا کیا بولنے لیے سن ذرا تو، ہاں میرا یہ لہجہ بھی برا لگتا ہے کچھ لوگوں کو، پونا کے لہجے میں کہتا ہوں تو ہاں اپنی آپ کی بات بتانا چاہتا ہوں، نہیں ہوتا ہے ایسا تو نہیں، کوئی ایسی بات کہتا نا کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کو بڑھایا جائے تو واقعی جس کے لیے جس کے اندر آپ کے لیے ثواب رکھا ہے آپ کیجئے نا، ہر ایک میسج کو آگے بڑھانا ہمارے لیے تو فرض سمجھتے ہیں، ہم لوگ رات کو تین تین بجے لوگوں کو دیکھا، اس طرح سے اٹھتے کے ساتھ دیکھا میں، ہے نا ہاں کھلی کے موبائل ہاتھ میں، یا اللہ اتنی محبت اللہ کے سجدوں سے کر لے تیرے چہرے پہ نور آ جائے، آنکھوں کا نور اپنے ویڈیو اور اپنے موبائل پہ خرچ کرنے والے اللہ کے لیے کبھی اتنا جھاگ جتنا تو اپنے موبائل کے لیے جاگ، قرآن کو کبھی اتنی دیر دیکھ جتنا تو موبائل میں گم ہوتا ہے، اللہ کے سجدوں میں کتنا وقت انہیں گزارا ہے کبھی اتنا وقت یہاں گزار کر دیکھ، ہر چیز بڑھانے میں لگا وارڈ دی بچا تھا وہ شبیچہ تو اتنی دے رہے مت پوچھو آپ سمجھے آپ، او ہو ہو ایسے بس اسی پر جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، فلا صاحب کو آپ نے دیا فلا لیڈر کو دیا وہ اس میں سبقت لے جا رہے ہیں سمجھے، سبقت لے جا رہے ہیں سمجھے، یہ سب کیا کرتے ہیں بچکانا حرکتے سب سمجھے، اسی میں وقت ضائع کرتے ہیں، تو بچو دوست ہے نا، یہ خودکشی اتنا گندا عمل ہے، جرم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ سمجھے، آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے، حضور رحمت للعالمین تھے نا، ہے میرے مصطفیٰ وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، لیکن ایک شخص کو جب لایا گیا اور آپ کو خبر دی گئی اس آدمی نے خودکشی کی ہے، خود کو مار لیا سوسائڈ کیا ہے، آتم ہتیا بولتے ہیں یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے خودکشی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، منافقین کا جنازہ آپ نے پڑھایا اپنا کرتا آتا تھا، لیکن جب ایک خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا حضور نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع، انکار، معمولی بات، کچھ علماء ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں بڑے علماء کو اور اللہ کے نیک بندوں کو خودکشی کرنے والے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، امام اعظم کا تو فتویٰ ہے کہ پڑھی جائے سمجھے، لیکن ایک رخ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک رخ بتا رہا ہوں، حضور نے نہیں پڑھی، یہ خودکشی کر رہے ہیں، حضور منہ پھیر لیں دنیا میں جس سے آپ کو لگتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف توجہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم سب پر سبقت لے گئے، کافرین مشرکین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے پیچھا کر کر کے مارتے، ان کا یہ حال تھا، ایسے داد شدہ ججات انہوں نے دی، حضور نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ جنتی نہیں تو ہم میں سے کون جنتی، حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں، وہ جنتی نہیں تو ہم میں سے کون جنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبقى، ایک صحابی اٹھے اور اس آدمی کا حال اور ماجرا معلوم کرنے کے لیے کہ آخر حضور نے اس کے تعلق سے کیوں ارشاد، جہنم تلاش کرتے ہوئے جب اس کے پاس گئے تھے، قتال کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، کافر مشرکین کو کاٹتے ہوئے، لیکن ان پر بھی جب زخم آئے تو وہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ وہ زخم کی تاب کو برداشت کرتے، اس درد کو برداشت کرتے، اور اللہ جب موت دیتا تو وہ اسے قبول کرتے، لیکن کیا کیا، یہ زخموں کی تاب نہ لا کر انہوں نے خنجر خود پر چلا لیا اور خود کا خاتمہ، جب یہ منظر دیکھا تو حضور کے پاس آ کر جب بیان کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سچ ہے میں گواہ دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول، کہ اللہ رب العزت اس بات کو سچ کر دیتا ہوں، ارشاد فرمایا شخص نے بتایا نا یہ پورا جنتی والا عمل کرتا اور آخری لمحے میں جہنم کا وہ عمل کر جاتا ہے اور معاملہ سارا خراب کر لیتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جہنم والے زندگی پر عمل کرتا ہے، جنت والا کوئی عمل کر جاتا ہے دنیا سے کامیاب، یہ حضور پہلے کی قوم کے بارے میں بیان کیا سمجھے،
ऐसे देखने कई मिसालें जो मैं आपको दे सकता हूँ बुजुर्ग आपने ये किस तरह से खुदकुशी करने वाले की बात आप उठा करके देखिए जा बजा आपको मिलेगी हदीस तकरीबन तमाम किताबों के अंदर आपको हदीस तैयबा मिलेगी इस तरह से इस्लाम ने क्या अहकाम इरशाद फरमाया ये तो हर दिन नहीं सब्र का इसीलिए तो हमें हुक्म दिया दर्द में तकलीफ में मुश्किल में परेशानी में आफत में बला में आजादी में कहा एक हुक्म सब्र का नमाज कभी इससे भी तो दोस्ती करके देखो सब्र से ला तुरा सी तकलीफ है जितनी हो सकती हो के आखिर इख्तिताम तो मौत ही ना ऐसे भी आ गई वैसे भी बंदा ये भी तो करके देखे ये भी तो करके देखे सब्र का भी थाम करके देखे सब्र हमारे पास है क्या सबसे ज्यादा तलकीन मोमिनीन को अगर किसी चीज दिए ना याद रखना वो सब्र इसलिए इसलिए मामूली चीज ना समझना कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ नहीं जरा इस जुमले का लुत्फ लीजिए ये नहीं कहा सब्र करने वाले अल्लाह के साथ क्या कहा वाह अल्लाह सब्र करने वाले तो जिंदगी तो यही नशे फराज का नाम है ना उतार चढ़ाव का नाम है जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो हर सेहत वाला है कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो माँ के पेट से जैसा बेफिक्र पैदा हुआ तो मरते दम तक वैसे बेफिक्र ना कोई नहीं लेकिन हालात से नबुर्द आजमा होना सब्र का मुजाहरा करना और अपनी रब की रहमत को तलाश करना उन हालात के अंदर यह मोमिन की शान है समझे इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं अपनी औलाद को तालीम ये इन हालात में जो होता है ना जो मामला और जो हालात पेश आए बच्चों को समझाइए इस्लामी तालीम इस मरहले में क्या होनी चाहिए क्या इस्लाम का नुकता निगाह उससे मुतासिर ना वरना हमारे यहाँ तो आम है ना आम चीज है ना इसी के दर पर्दा अगर आप देखेंगे जो उस बच्ची ने बयान किया जैसे मुझे बताया गया और मैंने कुछ हद तक सुना पूरा नहीं सुना मैं बता रहा हूँ है ना कि जहेज के हवाले से उसने कोई कहता है एक तरफा मोहब्बत थी एक तरफा मोहब्बत वो बीवी मुहावत करती थी शोर से शोर नहीं करता था या फिर जो है वो जहेज का मुतालबा करता था ये दूसरों की चीज थी दोस्तों दूसरों की चीज हमने अपना ली जहेज ये हमारा निशान नहीं था हमारी पहचान सुनेंगे सब जितने बैठे हैं ना सब सुनेंगे अमल करने में सामने कोई तैयार होता है क्या हाँ ईमानदारी से पूछूं मैं कितनों ने अपने बेटे के शादी में मेहर नहीं मांगा जहेज नहीं मांगा महर से ज्यादा जहेज पे गुफ्तगु होती है बहस होती है महर से ज्यादा जहेज हालांकि महर शरई हक है जहेज नहीं है गरीब की अगर शादी थी गांव में मामूल ये होता पहले हमारे यहां भी था सब हमने अपनी रिवायत को बुला दी हम सिर्फ लफड़े और झगड़ों में लगे वरना पहले मैंने भी देखा ये होता शादी तय होती घर में मस्जिद की जमात को बुलाया है जमात का लफ्ज आप सुन रहे हैं तो जरा गलत फहमी का शिकार मस्जिद की जो जमात होती है अभी बड़े बूढ़े जो होते थे और मस्जिद की जो अराकीन होते थे वो मोहल्ले की जमात और बिरादरी की जमात होती थी उनको बुलाते थे वो आके बैठते थे उनको इत्तला देते ये ऐसे ऐसे शादी करा दी उसके बाद फैसला होता उसके बाद शादी करते ऐसे गाँव वालों के अंदर मामला आज भी है कहीं कहीं बताते गाँव में शादी कई हुई गरीब के घर में बच्चे की शादी है उसमें जो मुअज्जिन थे गांव के 10-15 उन सबको बुलाया और शादी की आहवा से बाहर कराया सबने नसीहत की क्या नसीहत क्या की कि भाई ऐसा बेटा सादगी के साथ शादी करो ज्यादा धूम धड़ाका ना करो है ना ज्यादा पैसा खर्च ना करो निकाह मस्जिद में हो जाए है ना जायज वायज के मामला नहीं होना चाहिए लेन देन का ज्यादा तस्करा नहीं होना चाहिए उस आदमी ने सुना सुन के कहा मैं सब ये करूंगा इंशाअल्लाह तबारक तआला बस एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ आप जितने हजरात तशरीफ लाए हैं मेरे गांव के मोहतरम हैं मुअज्जज हैं इज्जत रखने वाले लोग हैं मुअज्जजीन हैं आप मैं आपसे पूछता हूँ जितने लोग हैं सबके सब के घरों के अंदर शादी हुई सबके यहाँ शादी सबकी बेटी बहन ब्याही गई है मतलब एक सवाल आपसे करता हूँ जवाब दे दीजिए जिस तरीके से आपने मुझे अपने बच्ची की शादी करने के लिए कहा है कि मैं सादगी से ऐसे ऐसे करूं आप सब बताएं आप में से किसने ऐसी शादी की
अपने बच्ची अपनी बच्ची या अपने बहन की। जिस शादी का मुतालबा आप मुझसे कर रहे हो कि सादगी से करूं, ऐसी सादगी से शादी आपने आप सब में से किसने अपने बच्ची की या अपने बहन की। टप टप दीदम दम नगे सब झुका। नसीहत दूसरों के लिए आसान होती है, खुद के लिए मुश्किल, खुद के लिए मुश्किल, समझे। तो बस सादगी करो आ, निकाह करो मस्जिद में आ, समझे। क्या है सब सारी सुन्नतें आप अमल करो, नसीहत की बात है हम आपको करें, जब मेरा मरहला आएगा तो मैं सारी चीजें, है ना। जितने लोग मस्जिद में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी करते, मैं कहता हूं इस्लाम का अमल खुद से शुरू, खुद से शुरू। जहज पे लानत भेजी, मांगने का जज्बा अगर आपके अंदर पैदा होता है तो उसी वक्त ये ख्याल कीजिए मैं जहज नहीं मांग रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं किसी से जाकर ऐसी चीज मांग सकता हूं। हमको तो कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम ये दे दे तो बहुत अच्छा। तो मांगने का ये तो लेटेस्ट तरीका है, ये नया तरीका है, समझे, नया तरीका है, समझे आप। हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन ये दे दो, ये तरीका है हमारे यहां। मुझे भी बुलाया जाता है शादी, इज्जत देते हैं लोग, अपने भी खानदान के भी लोग देते हैं, पास पड़ोस के भी देते हैं, दोस्तों अहबाब आप में से कुछ लोग बुला लेते हैं कि आए मौलाना दुआ कर दे। तो मैं इस शर्त पर जाता हूं लेन देन की अगर कोई बात हो तो मैं शिरकत करने वाला, शिरकत करने वाला। दोस्तानी अली बकार, इस मौजू को तो अलग से बयान करना था लेकिन चूंकि उसी से रिलेटेड था इसलिए मैं आपसे बयान कर रहा हूं। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों पर सौदा ना करो ना करवाओ, ना अपने बेटों पर सौदा करो। अपने क्या ले लेके ले लोगे, क्या दे दे के दे दोगे, क्या उससे जिंदगी सबर जाएगी। या हम मालदार घराने में शादी करेंगे और हमें सिर्फ गोरा रंग चाहिए, जब ये तय कर लिया तो सारे मुआशरे का यही मिजाज। मेरे पास भी 500-500 लड़के और लड़कियों की तस्वीरें रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कोशिश करता हूं, मेरे घर वाले कोशिश करते हैं, बिला मुआवजा बगैर किसी मुआवजे की कोशिश करते हैं कि बच्चों के रिश्ते हो जाए, लेकिन हर किसी का मुतालबा एक एक, कोई नहीं आता जो ये कहे कि हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि लड़की दीनदार हो, एक और कुछ नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट, एक जगह लिखा हुआ नहीं। अगर आपको झूठ लगता है तो मेरे पास आके फाइल उठा के, किसी ने लिखा हो लड़के के तालुक से कि ये सिर्फ दीनदार हो, समझे। हमारे इन कर्मों के साथ जब रिश्ते कराए जाते हैं तो याद रखिएगा फिर लड़कियां घरों के अंदर बैठ जाए और लड़के फिर क्या करते हैं बाहर फिर निकल करके वो काम करते हैं जो सिवाय मां बाप को शर्मिंदा करने के और कुछ नहीं। खुदा के वास्ते सुधरो, मैं सुधरू आप सुधरे, हम दुरुस्त हो जाए, हम इसलाह कर ले जिंदगी एक बार भी दुरुस्त। समझ में आया, अगर कोई गुनाह ऐसा जो गुनाह कबीरा है हम पर लगा या हमारी औलाद पर लगा तो सुबह कयामत में वो साफ होने वाला नहीं है। तो खुशी के हवाले से और कई रोशन पहलू और साथ ही साथ ये कि जो हमारे माशरे के अंदर अच्छी बातें हैं जो नहीं किया जाता उसको भी बयान करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इसके मनफी पहलू भी आपके सामने बयान करना असल जरूर था, मैंने बयान किया। क्या कहूं मैं, आज भी मैं अपने ही उस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा था, वक्त लेकिन इजाजत नहीं देता, दूसरी जमात भी हमारी आंखों में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा फिर कोशिश करेंगे कि हम अपने मौजू से जुड़ करके फिर उसी बात को करें। मैंने आपसे वादा जरूर किया था, वो हदीस पाक मैंने आपको हदीस सुनाई कि हुजूर के पास तमाम उम्मत पहुंचेंगे और उसके बाद हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे और क्या हो, हुजूर आखिरी वो शख्स जिसे जहन्नम से निकालेंगे उसका ईमान में बताऊंगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा गुफ्तगू करेंगे। आप सभी लोगों को जैसे पता है